सोलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप पे कस्टमर आईडी को जान सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि आईपीबी मोबाइल बैंकिंग को शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर आईडी को जानना जरूरी होता है। यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर आईडी मांगता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या क्या मांगता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगता है और कस्टमर आईडी मांगता है और डेट ऑफ बर्थ मांगता है और मोबाइल नंबर मांगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के यहाँ पे कस्टमर आईडी को जान सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा कस्टमर आईडी है। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कस्टमर आईडी जानने के लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोगों को कॉल कर देना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। जो आप लोग यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट के अकाउंट ओपन करने गए होंगे तो जो नंबर दिए होंगे उसी नंबर से आप लोगों को एक कॉल कर लेना है। तो चलिए मैं कौन बताता हूँ कि कौन सा नंबर है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे डायलर पैड को ओपन कर लेना है अपने, और आप लोग को जैसे मैं बताता हूँ उस नंबर को कॉल को डायल कर लेना है। तो देखिए आप लोग को डायल करके बताता हूँ, यहाँ पे 1552 सिंपली आप लोग का यही नंबर है, आप लोग को यहाँ पे डायल कर लेना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लोग को कॉल कर लेना है। और कॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे कस्टमर केयर मतलब यहाँ पे फ़ोन उठाएगा, उसके बाद आप लोग क्या करना है उससे बोलना है कि मेरा कस्टमर आईडी दीजिए, हमें मालूम नहीं है। तो क्या करेगा, आप लोग का कस्टमर आईडी दे देगा, उसके उससे पहले आप लोग को कुछ सवाल पूछेगा, आप लोग को बता दीजिएगा। यहाँ पे कुछ कोई भी बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, आप लोग को पूछेगा आपका नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और कुछ पूछ सकता है, तो आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को वो कस्टमर आईडी दे देगा, यहाँ पे लिखवा देगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट के कस्टमर आईडी को पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग को इसी नंबर पर कॉल करना है सिंपली, आप लोग को 1552 यही नंबर है, आप लोग को इस पर कॉल कर देना है, उससे बोलना है कि मेरा कस्टमर आईडी दीजिए, हमें मालूम नहीं है कस्टमर आईडी, तो आप लोग को वो कस्टमर आईडी दे देगा। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी आप लोग को सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त।